सुना नहीं तुमने? तुम इस पूजा में नहीं बैठोगी, जाओ यहां से। लक्ष्मी, तुमने व्रत तोड़ा है, ये रीत तोड़ी है, परंपरा पर आघात किया है तुमने, और अब तुम इस पूजा में बैठना चाहती हो? ये सिर्फ इस व्रत का ही नहीं, हमारी श्रद्धा का भी अपमान है। नीलम, तुम फिर वही बात कर रही हो। लक्ष्मी ने व्रत नहीं तोड़ा है, उसने भी व्रत वैसे ही किया है जैसा तुमने किया है। मम्मी जी, हम आपकी हर बात मानते हैं, हमेशा आपका मान रखते हैं, आप गलत होती हैं तब भी, पर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इस लड़की के साथ हमारी तुलना करें। दादी, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, पर मम्मी जी एकदम सही कह रही हैं, मेरी और उनकी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक माँ और एक बेटी की तुलना नहीं की जा सकती। मम्मी जी, मुझे बस इतना कहना है और सच कहना है कि मैंने व्रत नहीं तोड़ा है। हमें कोई बहस नहीं करनी है। मॉम, बहस का तो स्कोप ही नहीं है, और लक्ष्मी ने ये व्रत आपकी बेटी की लाइफ के लिए रखा है, इसलिए वो व्रत कभी नहीं तोड़ सकती और पूजा भी करेगी। अगर सच्चे दिल से इसने तुम्हारे लिए व्रत रखा होता तो ये व्रत कभी नहीं तोड़ती। लेकिन मॉम, आप ऋषि, वो बड़ी है, उनकी बात मानना। नीलम, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम गलत ही कर रही हो। तो ठीक है, सही और गलत की गुंजाइश ही खत्म कर देते हैं। आज इस घर में पूजा तभी होगी जब लक्ष्मी पूजा में नहीं बैठेगी। आप सबसे माफी मांगते हैं, इस घर के एक सदस्य ने व्रत तोड़ा है, रीत तोड़ी है, और अब वो इस पूजा में बैठना चाहती है। अगर वो इस पूजा में बैठेगी तो पूजा का अपमान होगा, हम सबकी पूजा का अपमान होगा। आप सबने सच्चे दिल से इस व्रत को रखा है, हम नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ ये अन्याय हो। लक्ष्मी की वजह से आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सब मंदिर में जाकर ये व्रत संपन्न कर लेंगे। आइए। मम्मी जी, मम्मी जी, आप पूजा कीजिए, यहीं कीजिए, मैं पूजा में नहीं बैठूंगी। मैं जा रही हूं। दादी, क्या कर रही हो? मान क्यों गए? लड़ी क्यों नहीं? अपनों से लड़ा नहीं जाता, लड़ाई को खत्म किया जाता। और ये मम्मी जी, इतने सारे लोगों के सामने मन का अपमान नहीं कर सकते। बहस जीत के रिश्ता हार जाऊं, बिल्कुल नहीं। ओ नो, मतलब लक्ष्मी अब घर से नहीं जाएगी। बेटा, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि इस घर को तुमसे बेहतर बहू मिल ही नहीं सकती।